चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स को रिवाइज करना है। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स को रिवाइज करेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो लोग, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक क्वेश्चंस कराने का फायदा नहीं है। ईयर एंड है, मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आने होंगे। हम लोग वही क्वेश्चन कवर अप करेंगे जो एग्जाम में आने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही हम लोगों को करने हैं सिर्फ। पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बच्चे, दैट इज नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में यहाँ पे हम लोग करते हैं कि कोई भी नंबर, रास्टर नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द पी बाय क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। जहाँ पे जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम्स, और सॉरी रास्टर नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक नंबर है 3.562। 562 पे बेटा बार लगा हुआ है, तो इस वाले नंबर को आप पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट दिस नंबर इन दी रैशनल फॉर्म, रैशनल नंबर दैट इज पी बाय क्यू फॉर्म। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 3.562 बार, लेट एक्स इज इक्वल टू 3.562 बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3.562, 562 एंड सो ऑन। बेटा नीड नॉट वरी, जो लोग किसी लोगों का मिस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सिर्फ समझने पे फोकस करना। इसकी मैं पीडीएफ आप सभी को शेयर कर दूंगा बेटा। नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू 3.562, 562 डेसिमल के बाद जो हमारा बार लगा हुआ है वो हमारा थ्री डिजिट पे बार लगा है, तो हम पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3562.562 माइनस 3.562। यहाँ पे आपका बच जाएगा 953559। ये हमारा हो जाएगा 999x, जिससे एक्स की वैल्यू 3559/999 है, 3559/999। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का बेटा कोई भी डाउट होगा था हैंड रेस कर लीजिएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो हैंड रेस कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। ग्रेट, नेक्स्ट मूविंग अहेड टू दी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज आपके पास यहाँ पे लेट कर कोई भी एक जो नंबर है वो ले लेते हैं 13.65 बार, 13.65 बार। तो क्या करेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 13.65 बार। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा 13.6555 एंड सो ऑन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बार एक ही डिजिट पे लगा हुआ है, बार जो है वो एक सिंगल डिजिट पे लगा हुआ है, लेकिन लेकिन ये बार वाला जो डिजिट है ये हमेशा डेसिमल के बाद होना चाहिए। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से, जिससे ये 10x इज इक्वल टू 136.5 बार आ जाए, 136.5 बार। अब बार एक ही डिजिट पे है तो मल्टीप्लाई करो, दोबारा से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये 100x इज इक्वल टू 136.5 बार। इसको वन मार्क कर लो, इसको टू मार्क कर लो, माइनस कर लो बेटा दोनों को। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 136.5 बार माइनस 136.5 बार। सब्ट्रैक्ट करिए बेटा इसको, दिस 136.5 बार, लेफ्ट साइड पे 90x, दिस इज 0.0। यहां पे बच जाएगा आपके पास 9212। सो आपके पास क्या आ जाएगा,
90x is equal to 1229, जिसकी वजह से x x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1229 अपॉन 90, 1229 अपॉन में 90. इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? ग्रेट. नेक्स्ट रूट टू हमारा क्या होता है बच्चे? इरेशनल नंबर होता है. इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मैं रूट टू को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता. रूट थ्री इरेशनल नंबर है, रूट फाइव इरेशनल नंबर, रूट सेवन इरेशनल नंबर, टू रूट टू इरेशनल नंबर है, थ्री रूट फाइव ये भी क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? कभी भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर. वी कॉल इट एज इरेशनल नंबर. नेक्स्ट, रूट टू को अगर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा. रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू फाइव. रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स आपके साथ जाएगा सिक्स. रूट सेवन इंटू रूट सेवन का मतलब जाएगा सेवन आ जाएगा. अगर मैं आपको बोलता हूं मल्टीप्लाई फाइव रूट टू प्लस थ्री इंटू थ्री रूट थ्री माइनस रूट टू, कैसे करें बेटा? अब यहां पे फाइव रूट टू को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, थ्री को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा फाइव रूट टू इंटू थ्री थ्री रूट थ्री माइनस फाइव रूट टू इंटू रूट टू प्लस थ्री इंटू थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट टू. ये हो जाएगा हमारे पास फाइव थ्री जा 15 रूट सिक्स माइनस 10 प्लस 9 रूट थ्री माइनस 3 रूट टू. अब यहाँ पे कोई भी टर्म आपस में ऐड नहीं होती क्योंकि किसी का भी जो रूट है वो सेम नहीं है. तो जब रूट्स सेम नहीं होंगे तो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. वो भी हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 8 साल में पढ़ता, x plus 2x 3x होता था, x plus 2x 3x होता है, तो वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं. एक और ले लेते हैं सिंप्लीफाई के लिए. सपोज स्क्वायर रूट ऑफ square root of 125 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 405. इसको सॉल्व करो. अब सॉल्व कैसे करें? फैक्टराइज करें. 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5, 405 के फैक्टर्स 9 इंटू 9 इंटू 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 रूट 5 2 रूट 5 माइनस 9 रूट 5, 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5. इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 2 रूट 5. इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ग्रेट. नेक्स्ट, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 256 रेस टू द पावर 0.19. बेटा मैं रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज नहीं करवा रहा मैं. 256 की पावर 0.19 इनटू 256 की पावर 0.59. बेसिस सेम है तो जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी. अच्छा यहां पे ये गलत हो गया, ये हमारा
इधर करेक्ट कर लेते हैं, दिस विल बी 0.16, 256 रेस टू द पावर 0.75, 256 क्या हो जाएगा बच्चे 4 रेस टू द पावर 4, और 0.75 का मतलब होता है 3/4, फोर इंटू 3/4 जिसकी वजह से हो जाएगा 4 क्यूब, 4 क्यूब की वैल्यू होती है 64, 4 क्यूब की बड़ा वैल्यू हो जाती है 64, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 64। क्लियर है सबको? किसी बच्चे को कोई और डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन, रूट 3 रेस्ट टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 7, रूट 3 क्या हो जाएगा 3 की पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 7, 3 की पावर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 7, बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी, एक्स विल बी 14। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हैंड रेस कर लेना, मैं रिपीट कर दूंगा उसको। यहाँ पे हरजस रूट एक्स रूट थ्री था, तो रूट थ्री का मतलब हो गया 3 की पावर हाफ, पावर एक्स है, हैंड लोअर कर लो, पावर एक्स है तो हाफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स बाय टू, राइट साइड पे 3 की पावर 7, बेसिस दोनों तरफ सेम है तो x by 2 is equal to 7, जैसे 7 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। क्लियर है हरजा साहब? हरजा क्लियर है बेटा? थम्स अप कर देना अगर क्लियर है तो, डाउट है नो रिप्लाई। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव इज एक अभी अलग क्वेश्चन, ये हमने पहले क्लास में नहीं करा था, आज दोपहर को। 2 की पावर x, 2 की पावर 5x डिवाइड बाय 2 की पावर x, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिफ्थ रूट है तो पावर 1/5, 32 क्या होता है 2 की पावर 5 पूरे की पावर 1/5, हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 4x इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 5 इनटू 1/5 इज 1, बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, जिसकी वजह से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/4। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। a रेस टू द पावर x माइनस y मल्टीप्लाई a रेस टू द पावर y माइनस z इनटू a रेस टू द पावर z माइनस x, इसको कैसे करें? बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a रेस टू द पावर 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 द आंसर इज 1, Anything raised to the power 0, the answer is 1. Clear? Is this clear to all? किसी बच्चे का कोई doubt? नहीं है। X की power a upon x की power b whole की power a plus b, x की power b upon x raised to the power c पूरे की power बेटा b plus c, x raised to the power c upon x raised to the power a c plus a, प्रूव कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। प्रूफ करना है कि जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है बेटा 1 है। कैसे प्रूव करें इसको हम? आप सबसे पहले वाले को देखिए, बेसिस सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि डिवाइड में है ये, दूसरे वाला भी, एंड सेम इज विथ थर्ड,
यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर्स एड हो जाएंगी x एस टी पावर जीरो फाइनल आंसर इज वन x की पावर जीरो फाइनल आंसर इज वन समझ आ गया सबको इज दिस क्लियर टू ऑल किसी बच्चे का कोई डाउट किसी बच्चे का कोई डाउट इस क्वेश्चन में सारे टॉपर बच्चे हमारे पास यही भी लगता है वेरी गुड अब मैंने ऐसे बोला तो एक बच्चे का डाउट आया यहां पे हैंड ओवर कर लो यहां पे x बाय ए अपॉन x बाय x की पावर a अपॉन x की पावर b बेसिस सेम है डिवाइड है बीच में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बेसिस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी बेसिस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट होगी अब यहां पे पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर पे पावर पावर्स मल्टीप्लाई पावर है पावर पावर है पावर मल्टीप्लाई तीनों में बेस सेम है मल्टीप्लाई इसका मतलब पावर सारी ऐड हो जाएंगी एक्स की पावर जीरो कितना आ जाएगा आपके पास वन आ जाएगा एक्स एस टी पावर जीरो एस वन एक्स एस टी पावर जीरो एस वन क्लियर है बात सबको पावनी डाउट क्लियर हो गया बेटा ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं डिवाइड सेवन रूट फाइव बाय माइनस थर्टी फाइव रूट ट्वेंटी फाइव वन इसको क्या होगा वन ट्वेंटी फाइव कर देते हैं तो कैसे करेंगे सेवन रूट फाइव डिवाइडेड बाय माइनस थर्टी फाइव स्क्वायर रूट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव सेवन रूट फाइव अपॉन माइनस ऊपर लिख लो थर्टी फाइव वन ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट निकालो ये हो जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ये पेयर फाइव रूट फाइव फाइव रूट फाइव कैसे करेंगे सेवन वन जा सेवन फाइव जा रूट फाइव से रूट फाइव ये भी कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज दिस क्लियर ये सबको क्लियर है बेटा नेक्स्ट एक और डिवाइड का क्वेश्चन पिक करते हैं ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू वन सिक्स माइनस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन यहां डिवाइड कर दिया ये हमें डिवाइड करना है कैसे करें भाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन 216 के फैक्टर 6 इंटू 6 इंटू 6 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 रूट 3 12 2 6 जा 12 रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 रूट 3 3 3 जा 9 रूट 3 फर्दर जो हमारा रूट सिक्स है रूट सिक्स को हम लोग लिखते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा बच्चे थ्री से ट्वेल्व एंड नाइन कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर बच जाएगा फोर रूट टू अपॉन थ्री आपके पास फाइनल आंसर बच जाएगा फोर रूट टू अपॉन में थ्री क्लियर है बात सबको Is this clear to all?
नेक्स्ट 2 raised to the power suppose 29 plus 2 raised to the power 28, 2 raised to the power 27, whole divided by 2 raised to the power 30, 2 raised to the power 29 plus 2 raised to the power 28. इसको सॉल्व करो. सॉल्व कैसे करें? हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसमें से कॉमन क्या है बच्चे? 2 raised to the power 27. तो क्या बच जाएगा? 2 square plus 2 की पावर 1 plus 2 raised to the power 0. डिनोमिनेटर में से 2 की पावर 30, 29 और 28 में से 2 की पावर 28 कॉमन है, जिससे बच जाएगा ये 2 square plus 2 की पावर 1 plus 2 raised to the power 0. नाउ बेसिस सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. This is 4 plus 2 plus 1. Denominator में 4 plus 2 plus 1, 7 से 7 cancel हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बचेगा? 2 raised to the power minus 1, जो कि आपके पास आ जाएगा आंसर 1/2, जो कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2. Clear है बेटा सबको? Is this clear to all? हर्जस बच्चे, हमने यहां पे देखो बेटा, हैंड ओवर कर लो. बेटा हमारे पास ये पूरा एक क्वेश्चन था, हमें दोनों को डिवाइड करना था, तो हमने यहां पे इसमें से क्या करा? 2 की पावर 27 कॉमन ले लो. 27 निकाल लूंगा, माइनस कर दूंगा तो 2 बचेगा. 28 में से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस करके यहां से 27 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा. इज दिस क्लियर? डिनोमिनेटर में 30, 29 और 28 में से 28 कॉमन है, फिर उसके बाद यहां बच जाएगा 2 square 2 की पावर 1 2 की पावर 0. 2 square 4 2 की पावर 1 2, एनीथिंग रेस की पावर 0 इज 1. तो ये 7 से 7 कट गया ये पूरा. यहां पे बेसिस सेम है, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी तो 2 की पावर -1 आ जाएगा. और 2 की पावर -1 कितना होता है बच्चे? 1/2. 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? ग्रेट. सीरत कोहली. तो नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे मजाक हो गया हमारा, मजाक कर लिया हमने, सॉरी. ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? वीडियो हो गई सिलेक्ट, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा. अब नेक्स्ट बच्चे, अगला क्वेश्चन. 5 into 8 raised to the power 1/3 plus 27 raised to the power 1/3. फिर इस पूरे पे क्यूब है और पूरे की पावर 1/4 है, और फिर पूरे की पावर 1/4 है. कैसे करें बेटा? 5 as it is. अब 8 को हम लोग क्या लिखते हैं? 8 होता है हमारा 2 cube और पावर मल्टीप्लाई कर दो इसी के साथ ही. 27 होता है 3 cube, उसकी पावर मल्टीप्लाई कर दो पूरे पे क्यूब, और यहां पे आपका आ जाएगा 1/4, 5 ब्रैकेट. 2 की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 1, 3 की पावर यहां 3 आ जाएगा पूरे पे क्यूब, पूरे की पावर 1/4 हो जाएगा. 5 into 5 cube raised to the power 1/4, 5 raised to the power 4, पूरे की पावर 1/4, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1, आंसर आ जाएगा 5. समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन करते हैं. 5 raised to the power 2x minus 1 minus 25 raised to the power x minus 1 is equal to 2500 is equal to
2500। कैसे करें इसको, 25 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 5 स्क्वायर और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 रेस टू द पावर 2x माइनस 1, 5 रेस टू द पावर 2x माइनस 2, अब क्या करें, पहले हमारे पास 5 की पावर 2x माइनस 1, दूसरा 5 की पावर 2x माइनस 2, दोनों में से 5 की पावर 2x कॉमन ले लीजिए तो यहां बच जाएगा 5 की पावर माइनस 1 माइनस 5 की पावर माइनस 2। अब क्या करें, 5 रेस टू द पावर 2x, 5 की पावर माइनस 5, 5 की पावर माइनस 1 हो गया 1 बाय 5, 5 की पावर माइनस 2 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 25, 2500। अब यहां पे ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, फाइव की पावर 2x इंटू 4 बाय 25 इज इक्वल टू 2500, 5 रेस टू द पावर 2x, 25 बाय 4 2500 को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, तो 4 और 100 को कैंसिल कर लोगे तो आपके पास बचेगा 25, तो क्या बच गया आपके पास 25 क्यूब, 25 होता है 5 स्क्वायर, 5 की पावर 6, बेसिस सेम पावर्स इक्वल हो जाएंगी जिससे आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, जिससे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। समझ आ गया सबको, इज दिस क्लियर टू ऑल, ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा हाँ, अब हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे इस चैप्टर में रैशनलाइज करने वाले क्वेश्चन रह गए बच्चे। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, कभी भी किसी भी नंबर को मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉप कर सकता, ये गलत है, डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं आता, तो नहीं आता तो क्या करेंगे, जो भी रूट में नंबर आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, ये रूट टू बाय टू बन जाएगा, 1/3√5, डिनोमिनेटर में रूट है, रूट फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो जिससे आपके पास बचेगा √5/15, इज दिस क्लियर, बट अब मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ गया, अब क्या करूं, क्या मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, नहीं, हम लोग इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जिससे आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3, इज दिस क्लियर, √2 + 2√3/3√2 - 2√3, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर में माइनस था इसका ऑपोजिट हो गया प्लस, तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे न्यूमरेटर का स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 3√2 + 2√3 + 2ab /
3 square 9 9 2s are 18 minus 2 square 4 4 3s are 12 18 plus 12 plus 2 3s are 6 plus 12 12 root 6 divided by 6 30 plus 12 root 6 by 6 अब क्या करें बच्चे डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दीजिए 30 बाय 6 आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 रूट 6 समझ आ गया बेटा सबको यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया बेटा किसी बच्चे का कोई डाउट यहां तक नहीं है ग्रेट तो मैं आपको इसका पीडीएफ बेटा अभी फॉरवर्ड कर दूंगा और इस क्लास की वीडियो भी अभी आप लोगों को बेटा फॉरवर्ड कर दी जाएगी टिल देन बाय टू ऑल टेक केयर एवरीवन